Welcome to the student. In this lecture, that is TCP and IP model. So in this lecture, we discuss the TCP and IP model. In the previous lecture, we discussed the OSI model. So this TCP and IP model is based on the Internet Protocol Suite. So whatever the connection day-to-day we are using for in the internet, we are using the TCP and IP model. So why this TCP IP model is important, we will discuss in this lectures. So in this lecture, we know that how this TCP IP model work, what are the features of this TCP IP model, and why it is important in day-to-day life or day-to-day internet life. So let's start the TCP IP model. The Internet Protocol Suite, commonly known as TCP/IP, is the set of communication protocol used for the internet and other similar networks. So whatever the network day-to-day life we are using, so day-to-day life means आजकल जो भी इंटरनेट में आप यूज कर रहे हो, so वो जो भी कम्युनिकेशन पर्पस पे जो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन हमारा क्रिएट होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, सो दैट ऑल आर थ्रू दिस टीसीपी एंड आईपी. सो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, दैट इज द वन इज द टीसीपी एंड अनदर वन इज द आईपी. सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम लोग इस टीसीपी आईपी मॉडल की बात करते हैं, तो इस टीसीपी आईपी मॉडल में हम लोग ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं. और ये जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ये आज के इंटरनेट और सिमिलर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है. सो अब जब मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, तो इंटरनेट में जनरली हम ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग मल्टीपर्पज एक चीज से एक टाइम पे एक ही डेटा एक्सेस करते हैं. बहुत सारे डेटा एक टाइम पे हम लोग एक्सेस नहीं करते. सो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन की बात आती है, तो कम्युनिकेशन हमारा होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. एंड जब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में पर्टिकुलर एक सिस्टम से हमको एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होना होता है, तो हम एक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्रिएट होता है. उस जगह पे हम लोग ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं. अब यहाँ पे ये जो टीसीपी आईपी है, इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं. एक होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज द टीसीपी, एंड अनदर वन इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो ये जो टीसीपी है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, व्हाइल दिस आईपी इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग जो भी डेटा कम्युनिकेशन जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ये दो प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं. सो दिस टू प्रोटोकॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, दैट इज टीसीपी एंड आईपी, विच वेयर द फर्स्ट टू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिफाइंड इन दिस स्टैंडर्ड. सो इस स्टैंडर्ड में ये दो प्रोटोकॉल डिफाइंड होते हैं. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इन ओएसआई मॉडल देयर इज अ सेवन लेयर, बट व्हेन वी डील विद द टीसीपी आईपी मॉडल, सो समबडी सेज इट हैज द फोर लेयर एंड समबडी सेज इट हैज द फाइव लेयर. सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप किसी इसमें अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं, अगर आप कोरोजन की बुक में पढ़ते हो, तो वहां पे पांच लेयर दिया हुआ है. लेकिन अगर वही अगर आप टेनम्बॉम की बुक से पढ़ते हो, तो वहां पे चार लेयर दिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो टीसीपी आईपी जो मॉडल है, इसमें इसके लेयर और ओएसआई मॉडल के लेयर कैसे अलग अलग है, या किस टाइप से इनको कंबाइन किया हुआ है. सो जैसे कि हमको पता है कि इन ओएसआई मॉडल देर इज अ सेवन लेयर्स. सो इन ओएसआई मॉडल देर इज अ सेवन लेयर, बट इन द टीसीपी आईपी मॉडल there is the four layer or five layer. So depend on the particular author or depend on the particular that is given in this particular researcher. So on it has the four layer or five layer. So जैसे कि आप लोग को पता है कि in OSI model we have the seven layer, और जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है, इसमें चार या पांच लेयर होती है,
डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि ये जो पहले OSI लेयर की जो पहली तीन लेयर है इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, और जो फर्स्ट लेयर तैयार होता है TCP/IP का, दैट इज द एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसी को हम लोग इन TCP/IP मॉडल में इसको होस्ट टू होस्ट और ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद की जो लेयर होती है दैट इज द नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। ये नेटवर्क लेयर को इन TCP/IP मॉडल में हम लोग इसको इंटरनेट लेयर के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट के दो लेयर होते हैं दैट इज द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये दो लेयर को कंबाइन करके यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर बनाया जाता है इन TCP/IP मॉडल। सो हर एक लेयर का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है एज दी OSI मॉडल। सो OSI मॉडल में जैसे कि हम लोगों ने हर एक लेयर का फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे TCP/IP का जो भी फंक्शन होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, सो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं यूजर डिफाइंड, जो जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, वो सभी प्रोटोकॉल्स इस एप्लीकेशन लेयर पे यूज में आते हैं। उसके बाद जो होस्ट टू होस्ट होता है, यहाँ पे जनरली दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, दैट इज द TCP एंड UDP। उसके बाद जो इंटरनेट लेयर है यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा है TCP/IP मॉडल, इस इंटरनेट लेयर में IP एड्रेस के साथ में IP ये प्रोटोकॉल यूज होता है। वैसे ही यहाँ पे जो बाकी के जो दिया हुआ है दैट इज द नेटवर्क इंटरफेस लेयर, यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल लेयर ये कंबाइन होके बाकी ये जो भी फ्रेम्स क्रिएट करते हैं और रॉ बिट्स के साथ में डील करते हैं। तो इस तरीके से ये जो 7 लेयर था इन OSI मॉडल, ये TCP/IP में ये 4 लेयर्स के अंदर में ये 4 लेयर्स तैयार होते हैं TCP/IP मॉडल। इसी मॉडल को हम लोग और क्लियरली डिस्कस करते हैं आगे वाले डायग्राम में। सो ये यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है, सो इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है दैट इज दी OSI मॉडल दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ पे TCP/IP मॉडल दिया हुआ है। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन के साथ में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि TCP/IP में हम लोग 4 लेयर्स यूज करते हैं और OSI मॉडल जो होता है इसमें 7 लेयर्स यूज होते हैं। तो ये दोनों का फंक्शंस जो है ये सेम होता है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर्स में कई सारे एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे यूजर्स के साथ में डील करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं दैट इज दी HTTP, उसके बाद में DHCP, DNS, ये सब प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इन एप्लीकेशन लेयर में। और जो भी एप्लीकेशन लेयर है ये यहाँ पे जो OSI मॉडल में जो 3 लेयर थे ये सभी के फंक्शंस, यहाँ पे सिर्फ एक वन एप्लीकेशन लेयर, ये एक ही लेयर, ये तीनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में। सो ट्रांसपोर्ट लेयर में जनरली ये जो दो प्रोटोकॉल यहाँ पे दिखाए हुए दैट इज द TCP एंड द UDP, ये यहाँ पे यूज होते हैं। TCP एंड UDP इसके बारे में जो भी हम लोगों ने फीचर्स देखा था, तो वो पूरे के पूरे फीचर्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो यूज होते हैं। सो ये TCP/IP एंड जो TCP एंड UDP, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। इस ट्रांसपोर्ट लेयर का ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं इनका फंक्शन, जैसे कि आपको पता है कि द TCP हैज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एंड री कनेक्शन ओरिएंटेड जब भी हम लोग यहाँ पे डील करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है थ्रू द TCP, एंड द TCP हैज द रिट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। जनरली होता है कि जैसे हमने किसी को मेल सेंड किया तो हो सकता है वो मेल उसको उसी वक्त ना मिले, उसको कुछ देर के बाद में वो मेल मिलेगा, लेकिन वो मेल उसको मिलेगा। सो यहाँ पे है वो एक्चुअली क्या होता है, तो पैकेट का लॉस नहीं होता है TCP के अंदर में। वैसे ही जैसे कि हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग जब भी TCP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो ये TCP प्रोटोकॉल जनरली हम लोग नॉन रियल टाइम सिनेरियो पे ये काम करता है, नॉन रियल टाइम डेटा पे ये काम करता है TCP। वही जैसे कि होता है इट इज स्लो एज कम्पेयर टू द UDP, UDP से ये स्लो होता है एंड इट इज अ रिलायबल, ये रिलायबल डिलीवरी डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है एज कम्पेयर टू द UDP। सो ये UDP होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, एंड जो UDP होता है ये रियल टाइम डेटाबेस पे काम करता है। जैसे कि हम लोग अभी लाइव टीवी मैच, लाइव मैच अगर जो देखते हैं वो सब इस UDP के थ्रू होता है, क्योंकि इसे
जनरली डेटा के साथ में जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर होता है इन यूडीपी में, लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं होता है। टीसीपी जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो वो पूरा का पूरा डेटा आपको मिलेगा। यूडीपी में अगर कुछ डेटा लॉस हो जाता है तो वो डेटा पूरा आपका लॉस हो जाएगा, मतलब वो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन टीसीपी ऐसा नहीं होता है। टीसीपी में वो डेटा आपको फिर से मिलेगा, और ये जो यूडीपी होता है फास्टर होता है क्योंकि यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टीसीपी को एक्नॉलेजमेंट सेंड करना होता है तभी वो आगे जो भी डेटा उसको मिला है कि नहीं मिला है वो उस तक पहुंचता है। इसके बाद का जो लेयर होता है दैट इज द इंटरनेट लेयर। ये टीसीपी आईपी का जो लेयर है दैट इज इंटरनेट लेयर। इसमें कई कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, दैट इज द आईपी, एआरपी, आरएआरपी, आईजीएमपी एंड आईसीएमपी। तो यहाँ पे जो आईपी है दैट इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो आईपी एड्रेस के साथ में डील करता है। यहाँ पे मैपिंग होता है एड्रेस का फिजिकल एड्रेस के साथ में। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो यहाँ पे आपके इस इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं। ये सेम जो भी फंक्शंस है परफॉर्म करता है ओएसआई मॉडल की तरह ही। उसके बाद में नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो इसका लास्ट लेयर होता है, इस लेयर में इथरनेट और फ्रेम से रिलेटेड जो भी डेटा है फिर डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है, डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट होता है वो, और थ्रू दैट ए पर्टिकुलर केबल के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये वर्क करता है। सो इन दिस टीसीपी आईपी मॉडल देयर इज अ फोर लेयर, और वी कैन से दैट इज द फाइव लेयर। डिपेंड ऑन दैट लेयर इट कैन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस व्हिच इज सिमिलर टू द ओएसआर मॉडल। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले के तीन, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर होता है ये डील करता है डेटा के साथ में। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये इसमें सेगमेंट बनता है, इंटरनेट जो लेयर इसमें पैकेट बनता है, और जो नेटवर्क इंटरफेस लेयर इसमें फ्रेम्स और बिट्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल ये वर्क करता है। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ each layer of the TCP/IP model. So the first one is the application layer. So the function of the application layer are the application layer help you to identify communication patterns, determine resources, resource availability, and synchronizing the communication. So this is the function of the application layer. जनरली इसमें जब भी हम लोग एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करता है कम्युनिकेशन पैटर्न की। जनरली एप्लीकेशन लेयर पे हम लोग जीयूआई पे काम करते हैं, दैट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, और जब हम लोग इस पे काम करते हैं तो हमको जो भी डेटा सेंड करना होता है तो उसको दैट इज द अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, यूजर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए वहां पे वो चीज को कंपोज करता है या जो भी डेटा सेंड करना है वो वहां से सेंड करता है, और वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजिंग दी कम्युनिकेशन ये चीज को परफॉर्म करता है वहां पे जब भी हम लोग इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं। उसके बाद में इट अलाउज यूजर टू लॉग ऑन टू द रिमोट होस्ट। सो जनरली जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो आप पॉइंट टू पॉइंट की बेस पे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, और रिमोटली जब किसी सिस्टम के साथ में आप कनेक्ट होते हो तो ऑथेंटिकेशन के साथ में वो यूजर उसके साथ में लॉग इन होता है। दिस लेयर प्रोवाइड द वेरियस ईमेल सर्विसेस। तो जब भी आपको मेल सर्विस या परफॉर्म करना होता है तब आप मेल सर्वर को एक्सेस करते हो थ्रू दिस लेयर दैट इज द एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद में दिस एप्लीकेशन एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सोर्स एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेस। सो एप्लीकेशन लेयर में जनरली हम लोग डेटाबेस के साथ में जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो रिसोर्स को हम लोग एक्सेस करते हैं, और वो एक्सेस करने के लिए हमें हमारे पास में जो ग्लोबली इंफॉर्मेशन है वहां पे, मतलब जो भी डेटा किसी भी सर्वर पे अवेलेबल है वहां से हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी ऑथेंटिकेशन। सो एप्लीकेशन लेयर पे जनरली ये सारी फैसिलिटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो द नेक्स्ट लेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी को हम लोग होस्ट टू होस्ट लेयर करते हैं। इसके कुछ फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन इज इट डिवाइड द मैसेज रिसीव फ्रॉम द सेशन लेयर इन टू द सेगमेंट एंड
नंबर्स देम टू मेक अ सीक्वेंस। सो जनरली जो भी डेटा इनको अपर लेयर से मिलता है वो लेयर को ये डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स में, उसको हम लोग चंक के फॉर्म में डिवाइड बोलते हैं, उसको चंक डेटा चंक के फॉर्मेट में हम लोग उसको देखते हैं। और ये जो भी डिवाइडेड डेटा है इनको एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है ताकि जब रीअसेंबल करें हम लोग डेटा तो वो नंबर्स के बेस पे हम लोग डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द डेस्टिनेशन मशीन। सो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थ्रू दिस कि जो भी डेटा यहाँ से डिलीवर हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे करेक्ट मशीन तक वो वहां पे डिलीवर हो सके। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द एंटायर मैसेज अराइव्स विदाउट एनी एरर एल्स इट शुड बी रिट्रांसमिटेड। सो यहाँ पे जो भी डेटा जो भी डेस्टिनेशन पे डेटा पहुंचता है वो डेटा एरर लेस हो, वहां पे कोई एरर ना हो, अगर उसमें कोई एरर रहता है तो उसको फिर से वो रिट्रांसमिट किया जाता है इन दिस ट्रांसपोर्ट लेयर और होस्ट टू होस्ट लेयर। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट लेयर। सो दिस इंटरनेट लेयर इज सम फंक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउटिंग द प्रोटोकॉल, मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट, नेटवर्क लेयर एड्रेस असाइनमेंट। So in this the routing protocol means whatever the data is arrived, so वो data को किस path से लेके जाना है वहां पे एक particular fixed path नहीं होता, कई सारे protocols होते हैं routing protocols जिसके through different different path से वो packets को जो data है वो एक system से दूसरे system पे पहुंचाया जाता है। So that is the routing protocol that comes under the routing protocol। उसके बाद में multi कास्ट ग्रुप मैनेजमेंट, सो यहाँ पे जो भी डेटा पर्टिकुलर परफॉर्म होता है वहां पे एक डेटा को पर्टिकुलर मैनेज किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप के बेस पे उस डेटा को मैनेज किया जाता है। और उसके बाद नेटवर्क लेयर एड्रेसेस असाइनमेंट, जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है नेटवर्क का वो पर्टिकुलर एड्रेस के बेस पे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक वो डेटा वहां तक पहुंचता है। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in this TCP IP model. Now the next one is the network interface layer. So in this network interface layer we deal with the frames and the raw bits. So in this first the network interface layer is this layer of the four layer of the TCP IP model. This layer is also called a network access layer. Why this is the network access layer? क्योंकि यहाँ से हम लोग फिजिकली जो भी डेटा होता है जो रॉ बिट में कन्वर्ट होता है या जो मैक एड्रेस से रिलेटेड जो भी एड्रेसेस होते हैं वो सब हम लोग इस लेयर पे परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प अस टू डिफाइन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा शुड बी सेंड यूजिंग द नेटवर्क। सो डेटा एक्चुअल में किसके थ्रू यहाँ से सेंड होने वाला है, जो भी चैनल यूज करने वाले हैं हम लोग किस केबल के थ्रू यहाँ से डेटा सेंड होगा वो यहाँ से आपको पता चलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ बिट शुड बी ऑप्टिकली बी असाइंड सिग्नल बाय हार्डवेयर डिवाइसेस विच डायरेक्टली इंटरफेस विथ अ नेटवर्क मीडियम लाइक कोएक्सियल ऑप्टिकल कोएक्सियल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर केबल। जनरली यहाँ पे डिसाइड होता है कि जो रॉ बिट्स क्रिएट हो रहे हैं वो रॉ बिट्स उस नेटवर्क में किस मीडियम के थ्रू हमको एक पॉइंट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसमिट करना है। सो ये डिसाइड करता है आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ दिस टीसीपी आईपी मॉडल्स। सो इन दिस टीसीपी आईपी मॉडल्स वी नो दैट देयर इज द फोर लेयर। द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड वन इज द होस्ट टू होस्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड वन इज द इंटरनेट लेयर एंड द फोर्थ लेयर इज द इंटरफेस लेयर। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल। सो जितने भी लेयर्स थे उनके हम लोगों ने फंक्शंस देखा है। अब इसके बाद हम लोग डील करेंगे कि जनरली ये इतना फेमस क्यों हुआ टीसीपी आईपी मॉडल, कि जिसके थ्रू हम लोग जो भी है पॉइंट टू पॉइंट डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। सो इसके लिए दो रीजन है कि जैसे कि यहाँ पे हमको पता है कि इन दिस
The protocol made up TCP/IP defined how data is transmit across a network. और सेकंड जो है हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो दैट नेटवर्क सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट. सो ये दो रीजन के कारण ये TCP/IP इज वेरी फेमस डे टू डे लाइफ दैट टूडेज नेटवर्क इज इंटरनेट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस TCP/IP. सो जनरली ये दो कारणों से ये फेमस हुआ है दैट इज दी हाउ द डेटा ट्रांसमिट अक्रॉस द नेटवर्क. उस नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा और दूसरा उसका क्या फॉर्मेट होगा ताकि वो फॉर्मेट दूसरा मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सके. नाउ द टू कीज ऑफ द TCP/IP व्हिच सपोर्ट डिटरमिनेशन. सो बिकॉज ऑफ दिस टू पॉइंट्स द फर्स्ट वन इज इट एंड नोड वेरिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक राउटिंग. ये दो पॉइंट के कारण जो TCP/IP जो मॉडल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज द एंड नोड वेरिफिकेशन. अब ये जनरली एंड नोड वेरिफिकेशन क्या है दैट टू एंड पॉइंट ऑफ एनी डेटा ट्रांसफर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर इट वॉज यूजफुल. सो जनरली जो भी एंड पॉइंट एंड नोड होते हैं वो पर्टिकुलर जब भी हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी एक को डेटा सेंड कर रहे हैं और वो किसी और को डेटा जा रहा है. और ऐसा भी नहीं होता कि जनरली हम लोग जहां से डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसी पॉइंट से वो डेटा आगे ट्रांसफर होगा. वो जनरली डायनेमिक जो एक्चुअली परफॉर्म ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डेटा परफॉर्म होता है वहां पे उसके डेटा आप कहीं से भी वहां पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं. तो एंड पॉइंट जो वेरिफिकेशन होता है ये जनरली इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे TCP/IP में जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं. नो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम. यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम नहीं रहता है ताकि कोई हैकर उसको हैक कर सके. अगर पर्टिकुलर हमें पता चल जाए कि ये बंदा पर्टिकुलर इसी यहाँ इसी जगह से पूरा डेटा ट्रांसफर करता है तो हम लोग उस डेटा को अगर एक्सेस करेंगे तो वहां से हमारा डेटा हैक हो सकता है. तो ये जनरली एंड पॉइंट जो होते हो कहीं से भी आप उस डेटा को वहां तक ट्रांसफर करा सकते हो. दूसरा इसमें दिया हुआ था डायनेमिक राउटिंग. सो इन दिस डायनेमिक राउटिंग एंड नोड कैन ट्रांसफर डेटा मल्टीपल पाथ एंड द नेटवर्क चूज द बेस्ट पाथ फॉर इंडिविजुअल डेटा ट्रांसफर. सो जो डायनेमिक राउटिंग का यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये भी TCP/IP मॉडल में यूज होता है. इसमें जनरली जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किसी भी पाथ से जा सकता है. उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पाथ ही डिसाइड होता है. सो दीज दो जो यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए इसके कारण जो ये TCP/IP है ये आजकल जो इंटरनेट पे है वेरी फेमस है और उसपे हम लोग आजकल इंटरनेट पे यही प्रोटोकॉल के बेस पे हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं. पॉइंट टू पॉइंट के बेस पे यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है. सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ द TCP/IP. इसके बाद जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ नेटवर्क इश्यूज है जिसको इसने रिसॉल्व किया है TCP/IP ने. सो क्या इश्यूज थे उस नेटवर्क में. सबसे पहले था एड्रेसिंग. जनरली एड्रेसिंग ये इशू था इसके बेस पे कि जब जो भी हमारे जो एंड नोड्स होते हैं उनके जो एड्रेस है वो क्या एड्रेस होंगे किस एड्रेस पे उसे लेके जाना है वो सब इससे सॉल्व होता है. दैट इज द एड्रेसिंग. ये जनरली IP एड्रेस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे कुछ एड्रेसेस के बेस पे इसको रिजोल्व किया है. सेकंड वन इज द राउटिंग. राउटिंग का कंसेप्ट होता है कि डेटा हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हमें से किस पाथ से लेके जाना है कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो सब इस राउटिंग के थ्रू यहाँ पे डिफाइंड होता है. तो इसको भी उसने सॉल्व किया TCP/IP में सॉल्व किया गया है. उसके बाद है नेम रेजोल्यूशन. जनरली नेम रेजोल्यूशन इट इज यूज फॉर द DNS दैट इज द डायनेमिक दैट इज द डोमेन नेम सर्विस. सो इन दिस डोमेन नेम सर्विस यहाँ पे ये जो नेम रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है. जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्राउजर पे कोई नाम या कोई सर्वर का साइट का नाम टाइप करते हो तो वो क्या होता है उसका पर्टिकुलर उस सर्वर का IP एड्रेस क्या होगा वो इसको नेम रेजोल्यूशन के थ्रू DNS के थ्रू सॉल्व होता है. आप सिर्फ उसमें उसका एड्रेस टाइप करते हैं डोमेन का नाम टाइप करते हैं और उसका IP एड्रेस क्या है वो DNS आपको बता देता है. तो ये भी एक प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व किया इन दिस TCP/IP मॉडल. उसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल. दिस फ्लो एंड एरर कंट्रोल के बेस पे जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पाथ से जा रहा है तो उसमें कोई एरर ना हो पूरा का पूरा डेटा एज इट इज वहां तक पहुंचे. सो ये TCP एक रिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है
और उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करते रहता है कि वो कौन सा डेटा वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस तरीके से ये परफॉर्म करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द इंटर प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस इंटर ऑपरेबिलिटी इन दिस जनरली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी भी जो डिवाइस है जो उस डिवाइस के साथ में ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक साथ आज डील कर रहे हो, आप विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हो, विंडोज का लैपटॉप या जो भी सिस्टम है वो मैक के सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो किसी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दिस TCP/IP मॉडल। सो ये कुछ इश्यूज थे जिनको इनको नेटवर्क इश्यूज को जो इस TCP/IP मॉडल के बेस पे इसको सॉल्व किया गया है करके, ये जो TCP/IP मॉडल है ये फेमस है आजकल जो भी इंटरनेट पे हम लोग जो भी कम्युनिकेशन पर्पस पे जो यूज कर रहे हैं दैट इज दी ये प्रोटोकॉल जो यूज कर रहे हैं दैट इज द TCP/IP ये प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। नाउ वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ TCP/IP। सो इट हैज मेनी एडवांटेजेस। द फर्स्ट वन इज इट हेल्प यू टू स्टैब्लिश और सेट अप कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। सो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर के साथ में ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। जनरली जब भी हम लोग डील करते हैं एक के साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो वो एक ही टाइप का कंप्यूटर नहीं हो सकता है, कोई भी टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। तो उसके साथ में जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश करने का काम ये TCP/IP ये करता है। इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑपरेटिंग सेम ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ में ये कनेक्ट करता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके साथ में ये कनेक्ट करता है। जैसे कि अभी अगर विंडोज का सिस्टम है वो लिनक्स के साथ में कनेक्ट कर सकता है, मैक के साथ में कनेक्ट कर सकता है, नोवेल नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर सकता है, किसी के साथ में भी वो कनेक्ट कर सकता है। इट सपोर्ट मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले राउटिंग में देखा है कि कई सारे जो प्रोटोकॉल्स है राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उसके भी ये सपोर्ट करता है। इट इनेबल्स द इंटरनेटवर्किंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इंटरनेटवर्किंग का कंसेप्ट है इसमें भी ये हेल्प करता है TCP/IP। TCP/IP मॉडल हैज ए हाईली स्केलेबल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो जनरली जो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है वहाँ पे ये TCP/IP मॉडल ये यूज होता है। इट कैन बी ऑपरेटेड इनडिपेंडेंटली। जनरली इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इनडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। कई सारे प्रोटोकॉल्स को ही सपोर्ट करता है। इट कैन यूज टू स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। सो जनरली दो कंप्यूटर्स जब भी हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो इसको ही सपोर्ट करता है। सो दिस इज द सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द TCP/IP। सो एज यू नो देर इज द एडवांटेजेस, सो देर इज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। So we discuss the disadvantages of the TCP/IP. So what are the disadvantages of TCP/IP? So first one is TCP/IP is complicated model to set up or manage. So generally is a complicated model. Even the disadvantages regard it is the complicated model to set up and manage करने के लिए ये complicated model क्योंकि point to point पे ये generally deal करता है। The swallow or overhead of TCP/IP is higher than IPX. So in this IPX network के through ये जो TCP है ये इसका जो ये overhead network है ये higher है than this IPX network. So IPX is the inter network packet exchange. ये थोड़ा सा इसका जो overhead है मतलब जो compatibility है वो थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी higher है as compared to this IPX. In this model, the transport layer does not guarantee deliver of packets. So in this also the that is the even protocol is there in this. So in this transport layer, it is not a guarantee to deliver the packet, particularly a particular form में. So यहाँ पे generally ये देखा जाता है कि जब भी इसके साथ में transport layer के साथ में deal होती है तो ये कोई guarantee नहीं देता है कि वो packet वहाँ पे deliver ही होगा करके. Replacing protocol in TCP/IP is not easy. इसको अगर replace करना है तो ये easy task नहीं है. It has no clear separation
from its services, interface and protocols. So इनके services और interfaces और protocol में कोई separation नहीं है. So these are the disadvantages of the TCP/IP. So this is all about the TCP and IP. Generally ये TCP/IP ये जो model है day to day life में very famous है. बहुत कई जगहों पे use होता है. इंटरनेट पे यही मॉडल यूज होता है. तो हम लोगों ने जैसे कि देखा कि TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में क्या फर्क है, उसमें कौन से लेयर्स होते हैं, किस लेयर के बेस पे यहाँ पे लेयर्स को डिफाइन किया जाता है, फंक्शनलिटी सेम होती है दोनों ही मॉडल्स की, लेकिन ये एक बेटर फंक्शन परफॉर्म करता है TCP/IP मॉडल देन द OSI. OSI मॉडल को हम लोग रेफरेंस मॉडल की तरह देखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द TCP/IP मॉडल. आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉन्टेक्ट मी. ओके, बाय बाय.